जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। अक्टूबर का महीना बड़ा स्पेशल होने वाला है। पहले तो बहुत सारे ग्रहों का गोचर, फिर दो बड़े ग्रहण, 3 तारीख को भी गोचर हो रहा है। 1-2 को तो हुआ ही है, बुध का 1 को, 2 को शुक्र को और 3 को मंगल का गोचर है। बुध का और शुक्र का गोचर कैसा रहेगा इसकी जानकारी चैनल पर आपको वीडियो के थ्रू दे दी है। इसमें बात करेंगे कि मंगल जो तुला राशि में जाने वाले हैं उसका असर सभी 12 राशि वालों पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं तो ये गोचर शाम को 5:12 पर होने वाला है। मंगल तुला राशि में चले जाएंगे। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके 7वें भाव में गोचर होगा। काम धंधे के लिए अच्छा है। नए लोग पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। गुस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। गले या पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अगर शादी के दौरान जो है आप अभी तक सिंगल है, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सेहत का ख्याल रखिए। महा उपाय अगर चाहते हैं इस गोचर से अच्छा फल पाना तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। बारी अब वृषभ राशि की। 6वें भाव में गोचर होगा, आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर मैरिड है तो खर्चों के साथ साथ हानि भी होने की संभावना दिख रही है। पैसा किसी से भी उधार लेना देना नहीं करना है। आप धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। काम करते हैं तो वहां पर कुछ बदलाव हो सकता है। काम के सिलसिले में कुछ लोग लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। पैसा ज्यादा खर्चा होगा। आपका नेचर जो वो भी आक्रामक होगा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहेंगे। उपाय के तौर पर हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। बारी मिथुन राशि की। 5वें भाव में गोचर होगा, मिला जुला परिणाम है। आपको लाभ कमाने के लिए जो है मेहनत करनी होगी, लेकिन लाभ आपको मिलेगा भी। मैरिड लोगों के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लवर्स के लिए थोड़े मतभेद रहेंगे। स्टूडेंट आपके लिए अच्छा टाइम है। इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश या लाभ कमाने के लिए समय अच्छा है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना होगा। यात्रा करते हैं तो समय सावधान रहना है। उपाय के तौर पर क्या करना है, रेड कलर की चीजें जरूरतमंदों को दान कीजिए, लाल रंग की चीज। बारी कर्क राशि की। 4वें भाव में गोचर होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, आएगा भी आपके पास। फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, वहां आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं रिश्तों में। आपको साथ ही साथ अपने बिजनेस करते हैं तो व्यापार में प्रगति या पार्टनरशिप आदि आपकी हो सकती है। व्यापार में लाभ मिलेगा। पार्टनर को लेकर थोड़े आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, लव पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा आप सोचेंगे। जीवन साथी को लेकर थोड़ा सतर्क भी रहिएगा। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिला देना है। बारी सिंह राशि की। 3रे भाव में गोचर होने जा रहा है। नई ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, हर किसी को इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन शत्रुओं से आपको ध्यान रखना है। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन सक्षम नहीं होंगे। आपको घर के बड़े लोगों का समर्थन मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य में भी आप रुचि लेने वाले हैं। अपने काम में प्रगति करेंगे। करियर को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और बूंदी के लड्डू का दान करिए। बारी कन्या राशि की। 2रे भाव में ये गोचर होने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकती हूँ मैं आपको। बातचीत के दौरान आपको बार बार गुस्सा करते हुए देखा जा सकता है। दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। गले से जुड़ी समस्या आ सकती है। बोली खराब हो सकती है। फैमिली में विवाद हो सकता है। बच्चे को लेकर थोड़े आक्रामक हो जाएंगे। आप स्टूडेंट्स जो है उनके लिए अच्छा है। अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर हर दिन कोशिश करें हनुमान चालीसा पढ़ने की। बारी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए गोचर उन्हीं के भाव में हो रहा है। जो सिंगल है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मैरिड है, पार्टनर का पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। फैमिली का लाभ जो है आपको मिलेगा, फैमिली का साथ मिलेगा। आप खुद पर बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी आदि की खरीद बिक्री हो सकती है। माता महिला का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। बारी वृश्चिक राशि की। 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है। हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी है। यात्रा है आपके योग में। पैसा उधार लेने या देने के लिए सही समय नहीं है। खर्चा काफी रहेगा। आपकी जो सोशल लाइफ है वो खराब हो जाएगी। सामाजिक छवि खराब हो सकती है। आपके सामाजिक जीवन पर असर पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा मतभेद होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है, मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। बारी अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। सबसे पहले पैसों की बात की जाए तो पैसों की आर्थिक लाभ की दृष्टि से ये अच्छा समय है। पैसा आएगा आपके पास। साथ ही साथ आप सेविंग करने में भी कामयाब रहेंगे। इस दौरान आप बाहर की चीजों को पे पैसा ज्यादा खर्चा करने वाले, अपनी इच्छाओं को आप जो है उसकी पूर्ति करेंगे। फैमिली को लेकर भी आपका जो इक्वेशन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी।
कानूनी मुकदमे जो अगर हैं, कुछ कोर्ट केस चल रहा है तो आपके पक्ष में आ सकता है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा गुड़ चने से कीजिए। अब बारी मकर राशि की। दसवें भाव में गोचर होने वाला है। जॉब करने वालों के लिए समय अच्छा है। ऑफिस में लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे। नई आपकी संभावनाएं पैदा होने वाली हैं। फैमिली में थोड़ी सी कमी होगी, माता साथ देंगी। सेहत को लेकर अपने थोड़ा सतर्क रहिएगा। लव लाइफ के लिए भी ये टाइम उतना अच्छा नहीं है, तो लवर्स को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जो जिनके बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा आपको मिला जुला कर चलने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा आप हर दिन कीजिए। बारी अब कुंभ राशि की। नवे भाव में गोचर होगा। आप धर्म कर्म में आपका झुकाव रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा योग में है। आपके जॉब या बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा है। हालांकि काम में बदलाव आएगा, कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है, खर्चा बढ़ने वाला है। गुस्से में रहेंगे, मंगल है भाई, गुस्से में आप जरूर आपको बढ़ाएगा। घर परिवार का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर सैटरडे के दिन आपको क्या करना है, गरीबों को खाने की चीजें बांटनी है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आठवें भाव में गोचर होगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे, तो आप कोशिश करें कि समय इन्वेस्ट ना करें। शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। पैसों में बढ़ोतरी की दृष्टि से ये समय अच्छा है। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, कोशिश करें कि जरूरतमंदों की मदद करें, उनको रेड कलर की चीजें डोनेट करें। तो हमने जाना कि 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को जो ये गोचर होने वाला है मंगल का तुला राशि में, इसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि वालों पर। 1 तारीख को बुध जा रहे सिंह में, 2 तारीख को शुक्र जा रहे कन्या राशि में, और 3 तारीख को मंगल जा रहे तुला राशि में। तो बैक टू बैक ये गोचर और हर एक अलग अलग राशि में, तो बहुत सारे बदलाव आपको अपने जीवन में अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही फील होंगे। बाकी उसके बाद 2 बड़े ग्रहण हैं। हर जानकारी मैं आपको धर्मा लाइफ पर देती रहूंगी। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।